स्वागत है तुम्हारा आज की एक और नई वीडियो में। और जो न्यूज में तुम्हें भी देने जा रहा हूँ ना भाई, वो जस्ट मैं भी देख कर ही वापस आ रहा हूँ। इसीलिए भाई ताजा टमाटर है, फटाफट से खा लो, वैसे भी बहुत महंगे हो रहे हैं आजकल। मुझे पता चला फुकरा इंसान का 5 साल का रिलेशनशिप जो अभी यूट्यूब कम्युनिटी में किसी को भी पता नहीं है, और फुकरा इंसान का नया रिलेशनशिप जो की बिग बॉस में बनने वाला है, वो भी भाई मैं तुम्हें कल सुबह 8 बजे जरूर से बता दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बहुत काम का आदमी हूँ मैं तुम्हारे लिए। तो यार अभी जस्ट बेबिका और फुकरा इंसान बैठ कर बातें कर रहे थे, उसी वक्त भाई बेबिका ने पूछा कि तुम्हारा मनीषा के साथ कैसा रिलेशनशिप है। भाई फुकरा इंसान ने बेबिका से कहा कि मैं उसे सिर्फ अपनी बहन की नजर से देखता हूँ और मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतने धोखे खाए कि मेरा अब इन चीजों में दोबारा पढ़ने का कोई भी मन नहीं है। फिर बेबिका ने फुकरा इंसान से कहा कि तुमने भी कभी किसी को धोखा दिया होगा, तो फुकरा इंसान ने कहा कि मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। फिर फुकरा इंसान ने कहा कि हमारा 4 साल का रिलेशनशिप था और हम दोनों ने यूट्यूब पर साथ में वीडियो बनाना शुरू किया था। फिर बेबिका ने कहा कि वो तो तुम्हारी वजह से फेमस हो गई होगी, तो फिर फुकरा इंसान ने कहा उसके फॉलोवर मुझसे ज्यादा थे, मैं उसकी वजह से फेमस हुआ था। लेकिन जब 4 साल बाद ब्रेकअप हुआ तो मुझे 1.5 साल लग गए ब्रेकअप होने में। तो फिर बेबिका ने पूछा 1.5 साल भी को लगता है क्या ब्रेकअप होने में। फुकरा इंसान ने कहा कि मैं थोड़ा इमोशनल टाइप का बंदा हूँ, मुझे लोगों को भूलने में थोड़ी सी परेशानी होती है। अभी यार एल्विश भाई बरसात की बूंद की तरह वहां पर टपक जाते हैं और फुकरा भाई से कहते हैं कि अभी जाकर तेरे रिलेशनशिप के बारे में जिया को बताता हूँ। अभी यार दोनों हंसने लग जाते हैं और ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। लेकिन भाई तुम फुकरा इंसान का नया रिलेशनशिप मिस मत कर देना, सुबह 8 बजे वीडियो डल जाएगी, इसलिए नोटिफिकेशन बेल ऑल पे जरूर कर लेना।